This video present by Burma Classes. I am Prince Burma. और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7503318304. आज मेरा टॉपिक अकाउंट्स के ऊपर है. अकाउंट्स में मैं आपको चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के बारे में आपको पढ़ाऊंगा. तो सबसे पहले बात आती है कि एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है. अभी आपने थोड़े दिन पहले सबसे पहले चैप्टर पढ़ा होगा कि कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, की पार्टनरशिप फर्म किस तरीके से कंस्ट्रक्ट होती है. तो उसमें पढ़ाया था कि आपको पार्टनरशिप फर्म के बारे में जानने के लिए सबसे पहले पार्टनरशिप के रूल्स के बारे में पता होना चाहिए था, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. उसमें हमने बताया था कि यदि कोई दो पार्टनर है और उनके पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में कुछ नहीं मालूम, कुछ क्वेश्चन में ही दे रखा कि वो प्रॉफिट को किसके हिसाब से शेयर करते हैं, तो उनका प्रॉफिट जो होता है वो इक्वली माना जाता है. हमने इसके बारे में पढ़ा था कि यदि दो पार्टनर हैं, पार्टनर्स ए एंड बी, तो दे शेयर हिज प्रॉफिट इन अ इक्वली. सपोज एक नया पार्टनर, उन्होंने को जरूरत पड़ी, एक उन्होंने नया पार्टनर बुला लिया और एक नया पार्टनर आया सी. मेरी बात ध्यान समझिएगा, दो पार्टनर थे, कौन कौन से, ए और बी, और एक नया पार्टनर आया सी, उसको भी हमने इक्वली शेयर दिया. यदि पहले से ही दो पार्टनर हैं और तीसरा पार्टनर और हमने ले लिया, वो पैसा कैसे बांटता है, उसको पैसा मिलता है इक्वली. तो कहने का मतलब हुआ कि यदि ए और बी पहले एक रुपए को बांटते हैं, तो एक रुपए में उनकी हिस्सेदारी दो जनों से बैठती है, यानी शेयर कितना होगा, उनका शेयर हाफ और हाफ हो जाएगा. लेकिन इफ दे एडमिट सी, यदि वो सी को एडमिट करते हैं, तो उनका शेयर कितना हो गया, वन थर्ड. क्यों? क्योंकि अब एक रुपए में हिस्सेदारी कितनी है, अब हिस्सेदारी तीन जनों की आ जाएगी. तो इस पूरे चैप्टर में सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे कि व्हाट इज द ओल्ड रेशो, कि ओल्ड रेशो क्या होगा. यदि क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो ओल्ड रेशो है इक्वली. उसके बाद यदि हम बात करते हैं न्यू रेशो, न्यू रेशो के बारे में क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो न्यू रेशो इज ऑल्सो इक्वली. यदि एक पहले दो पार्टनर थे तो वो 1/2 होगा, यदि अब की बार तीन पार्टनर तो 1/3 होगा, यदि फोर पार्टनर पहले थे तो 1/5, और फिफ्थ पार्टनर के आने पर शेयर कितना हो गया, 1/5. इस टॉपिक के बाद बारी आती है एक एग्जाम्पल की, इसे ध्यान से देखिएगा. मैं बताता हूँ आपको, ए एंड बी आर पार्टनर, कि पार्टनर कौन थे, ए और बी पार्टनर थे, दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर. उन्होंने सी को नए पार्टनर के तौर पर एडमिट किया. हिज शेयर इज 1/5 इन द फर्म प्रॉफिट, और उसका हिस्सा कितना था, उसका हिस्सा फर्म में 1/5 था. तो लॉजिक आता है कि पार्टनर कौन थे, पार्टनर थे ए और बी, ए और बी आर पार्टनर, और ए और बी का शेयर कितना था, ए और बी का शेयर पूरे क्वेश्चन में गिवन नहीं है. इफ शेयर इज नॉट गिवन वी नो दैट द ओल्ड रेशो इज 1:2. उन्होंने किसको एडमिट किया, दे एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर. उन्होंने सी को नया पार्टनर बनाया. सी कितने शेयर के लिए आया, 1/5 शेयर के लिए. देखिए यदि फर्म का प्रॉफिट, याद कीजिएगा, फर्म का प्रॉफिट एक रुपया है. मैं तो ये कहता हूँ कि फर्म जो है लाखों रुपए कमाएगी, लेकिन हम एक रुपए में हिस्सेदारी निकालते हैं. देखिए बहुत छोटी सी बात है, यदि एक रुपए में से 50 पैसे मेरे हैं तो 2 रुपए में से कितने होंगे, 1 रुपया. क्यों? क्योंकि मुझे आधा प्रॉफिट मिल रहा है. यदि हमने 5 लाख रुपए कमाए तो हमें कितने मिलेंगे, हमें 1 लाख रुपए, 5 लाख का आधा लाख यानी 2.5 लाख रुपए मुझे मिल जाएंगे. यदि फर्म का प्रॉफिट कितना दे रखा है, 1 रुपया. नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आया, 1/5. सो मैं क्या निकालूंगा, रिमेनिंग प्रॉफिट
कितना होगा रिमेनिंग प्रॉफिट? सीधी सी बात है, 1 रुपया मैंने कमाया, 1 रुपये में से 1/5 मैंने माइनस कर दिया, शेयर कितना आया? शेयर आया 4/5। तो ए का शेयर जो है, ए का शेयर वो है 4/5। बी का शेयर कितना है? बी का शेयर है 4/5, क्योंकि बी और ए इसी शेयर में से तो हिस्सेदारी करेंगे। रिमेनिंग प्रॉफिट की बात कर रहे हैं भाई, 1/5 तो नए पार्टनर का है, 4/5 का कितना नए पार्टनर का हो, ओल्ड पार्टनर होगा 1/2, सो 4/10। बी का कितना हुआ? 1/2, यानी कि 4/10, यानी कि इसका ए का शेयर जो है वो 4/10 है, बी का शेयर 4/10 है। यदि मैं बात करूं सी के शेयर की, तो सी का शेयर क्या होगा? सी 1/5 शेयर के लिए आया है, लेकिन कॉन्सेप्ट देखा जाए तो इनको 10 रुपये में से 4 रुपये मिल रहे हैं, इसको 10 में से 4 रुपये मिल रहे हैं, तो इसमें 5 रुपये में से 1 रुपये मिलेगा। तो 10 रुपये यदि मैं इसे कर दूँ, तो 10 रुपये में से सी का शेयर कितना होगा? द सी शेयर इज 2/10, सो न्यू प्रॉफिट शेयर 4:4:2। क्लियर? इस क्वेश्चन के बाद बारी आती है एक और टॉपिक की। यदि कभी भी क्वेश्चन में ओल्ड रेशो की बनो, ओल्ड रेशो सपोज 4:5, और कभी भी क्वेश्चन में न्यू रेशो दिया हुआ हो, न्यू रेशो कुछ नहीं दिया, तो हम मानेंगे कि न्यू रेशो क्या है? इक्वली है। क्वेश्चन हमसे ये पूछ जाता है कि व्हाट इज गेनिंग एंड सेक्रीफाइजिंग रेशो। बताओ बच्चों कि गेनिंग और सेक्रीफाइजिंग रेशो क्या होगा? गेनिंग होता है जो पार्टनर को मिलता है, जो पार्टनर को मिला, और सेक्रीफाइजिंग क्या होगा? जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा। अब आप एक बात सोचिए, नया पार्टनर आया, यदि न्यू पार्टनर आएगा तो गेन कौन करेगा? न्यू पार्टनर ही तो गेन करेगा, और सेक्रीफाइस कौन करेंगे? सेक्रीफाइसिंग करेंगे ओल्ड पार्टनर। क्यों? क्योंकि यदि पहले हम दो जने थे, ए और बी, तो हम 1 लाख रुपए कमाते थे, तो हमारा प्रॉफिट यदि इक्वली है तो वो हम 50-50,000 आपस में बांट लेते थे। लेकिन अभी यदि तीन चार पार्टनर आ गए, तो 1 लाख रुपए इक्वली इक्वली यदि सब में बांटे, तो 25-25,000 मिलेंगे। तो बाकी 25-25 तो नए पार्टनर को मिले हैं, लेकिन सेक्रीफाइस किसने किया है? सेक्रीफाइस हमने किया है, यानी ओल्ड पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया। तो कॉन्सेप्ट आता है कि व्हाट इज द गेनिंग एंड सेक्रीफाइजिंग रेशियो। तो इसका फॉर्मूला होता है गेनिंग और सेक्रीफाइजिंग का, गेनिंग का और सेक्रीफाइजिंग का, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशो कितना है? यदि आप ओल्ड रेशो की बात करते हो, तो ए का ओल्ड रेशो है 4/9, बी का ओल्ड रेशो है 5/9, यानी ए का रेशो कितना है? ए का रेशो है 4/9, बी का रेशो है 4/9, बी शेयर इज 5/9, और सी का शेयर, सी पहले पार्टनर था ही नहीं, तो उसका शेयर कितना है? 0। तो ए कितने शेयर के लिए आया? ए अब शेयर हो गया 1/3, बी का शेयर कितना हो गया? 1/3, और सी का शेयर कितना है? 1/3। तो हमने फॉर्मूला क्या किया? ओल्ड माइनस न्यू। यदि मैं इसको सॉल्व करूं, तो सॉल्व करने का सबसे आसान और इजी मेथड ये कि आप इस 3 की मल्टीप्लाई 4 से कर दें, कितना आया? 12। 9 की मल्टीप्लाई आप 1 से कर दें, कितना आया? -9 डिवाइडेड बाय 9, और 3 की मल्टीप्लाई आप आपस में कर दें, 27। 3 की आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें, 15। 9 की आप 1 से कर दीजिए, 9, और 9 सीधा कितना हो गया? 27। यदि आप 12 में से 9 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 3/27। यदि आप 15 में से 9 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 6/27। तो दोनों शेयर कितना है? 3/27, 6/27, और यहां पर शेयर कितना है? 1/3।
इसको 27 रुपीज में 6 मिल रहे हैं, तो इसको भी 27 ही करना है। तो 3 9 27, 9 × 9 तो कितना हो गया, -9/27। आप बताने में बिल्कुल सक्षम है, आपको मालूम है द हु इज द न्यू पार्टनर ऑफ द फर्म, द न्यू पार्टनर इज सी, एंड हु इज गेनिंग, गेन किसको हुआ है, नए पार्टनर को, तो गेन यहां पर आएगा। और हु इज द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, 3 और 6, दे आर द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, द बोथ आर द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सो वॉट इज द न्यू रेशियो, वॉट इज द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, 3:6, क्लियर।